बच्चों, वैसे तो हमारा ब्रेन बहुत शार्प है, लेकिन कभी कभी ये भी कंफ्यूज हो जाता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज सुबह सुबह मुझे किसी ने आवाज दी थी, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आवाज मेरे आगे से आ रही थी या पीछे से आ रही थी। ऐसा आप लोग के भी साथ होता होगा क्या? ये चीज और किसी के साथ होती है? चलिए बच्चों, एक खेल खेलते हैं और देखते हैं। चलिए बच्चों, आज हम एक खेल खेलते हैं। इसके लिए आपको इस प्रकार से ही बैठना है जैसे अभी आप लोग बैठे हैं, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि तारामती है जिसको मैंने बीच में बैठाया है। तारामती की आंख में हम एक पट्टी बांधेंगे और हमको पट्टी इस प्रकार से बांधनी है कि इसकी नाक बंद न हो जाए, ठीक है। क्योंकि आप इस खेल को कभी भी खेल सकते हैं, इसलिए इसकी सावधानी हमको रखनी है, ठीक है। तारामती के आगे तरफ कौन बैठा है? विनीता। तारामती के पीछे बेलेश्वरी बैठी है। इसी प्रकार से तारामती के दाएं तरफ आचल बैठी है और तारामती के बाएं तरफ ज्योति बैठी है, ठीक है। तो आपको इसलिए बैठाया है ऐसे क्योंकि आपको मैं इशारा करूंगी और जब मैं आपको इशारा करूंगी तो आपको ताली बजानी है। अगर मैं आंचल को इशारा करूंगी तो आंचल ताली बजाएगी और जब आंचल ताली बजाएगी तब तारामती हाथ के द्वारा उस दिशा को दर्शाएगी जहां से उसे आवाज़ सुनाई दे रही है, ठीक है। तो आपको जब मैं इशारा करूंगी तो आपको ध्यान रखना है और आपको फिर ताली बजानी है, ठीक है। तो गेम शुरू करें। तो सबसे पहले हम तारामती आंख पर पट्टी बांधते हैं। तो इस प्रकार हमने तारामती की आंखें बंद कर दी हैं, ठीक है। अब तारामती तुम्हें आवाज सुनना है ध्यान से और हाथ के द्वारा बताना है कि आवाज कहां से आ रही है, ठीक है। रेडी?
आंचल के साथ हुआ हुआ या नहीं हुआ? हुआ। आंचल भी क्या हो गई? कंफ्यूज हो गई है ना। कहाँ पर कंफ्यूज हुई? जब ताली की आवाज आगे और पीछे से आई, तो दाएं कान से उसको आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई दी, बाएं कान से भी सुनाई दी, लेकिन जब आवाज आगे और पीछे से आई तो वो स्पष्ट रूप से सुनाई उसको नहीं दी। तो खेल खेलने में मजा आया बच्चों? अभी जो आपने खेल देखा, इसमें हमने देखा कि प्रतिक्रिया हमें मिले जुले रूप में दिखी। आपने एक चीज नोटिस की, कभी ये प्रतिक्रिया दाई ओर और बाई ओर से सही दर्शाई गई, लेकिन जब प्रतिक्रिया आगे और पीछे से दर्शाई गई तो कभी सही थी और कभी गलत। ऐसा क्यों हुआ होगा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे दोनों कानों के बीच में अंतर है, तो दाई ओर से आने वाली ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में अंतर आ जाता है, जिससे हमारा मस्तिष्क भेद कर पाता है। लेकिन जब ध्वनि आगे या पीछे से आती है तो ध्वनि की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुंचने के समय में अंतर न होने के कारण ये मिली जुली प्रतिक्रिया दिखाता है, या हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क भ्रमित रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और हमेशा एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता है, जैसे कि हमने पिछले क्रियाकलाप में देखा है।